नमस्कार। नमस्कार। साहित्य सृजना कार्यक्रम च तुंदा स्वागत है। आज जैसे इस कार्यक्रम च जिन्हें साधा दिते दा है वो बड़िया देर दिया बड़िया प्राणिया बड़िया सीनियर रेडियो दिया ब्रॉडकास्टर न्यूज रीडर न और खास गल यह है कि उन्हें 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 बच्चे ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है नानी सुनाओ कहानी। मेरी मुराद है श्रीमती चंचल हुसैन जी कन्नै। चंचल जी तुंदा इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार, शुक्रिया। अच्छा, पहले तो अस इस उपरा गल करने कि यह जड़ी इन्नी खूबसूरत किताब है इसी लिखने का की तुम्हें जिस तक मैं जानना है इसे कोला पहले तुसा कोई किताब नहीं है लिखी? नहीं, ये मेरी पहली किताब है। साहित्य सृजना के क्षेत्र च मेरी पहली गै है। इसे कोला पहले नहीं है। तुसें पता रेडियो च ड्यूटी होंदी ही सवेरे शामी, उधर दी दौड़ लगी दी होंदी ही ते किताब लिखने का ख्याल ही नहीं आया। ये ख्याल जड़ा ना रिटायरमेंट दे मगर आया। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा विचार आया। तुसी मैं आखना के इस किताब की जड़ी इन्नी खूबसूरत किताब तुसी लिखी है वो पहली किताब तुसी लिखी है। इसे कोला पहले कदियां तुसी आखिया साहित्य च तुसी लिखे दा भी किश नहीं। इस लिखने का टाइम तुसी हुण मिलिया। जवाब दिता मैं सारी उम्र डोगरी की सेवा की है ते अगुआ भी हुण मेरा विचार ये है कि डोगरी की सेवा की जा। उदासीन रवैया अपना डोगरी कोला दूर होंदे जा रहे हैं। कम से कम कोई रोचक साहित्य आवे जिहदे कन्नै बच्चे इहदे नेड़े आण, साडी मातृ भाषा कन्नै जुड़ने का यतन करन ते जुड़िए मतलब वो अगुआ इन्हें किताबें की पढ़िए थोड़ा अपना मतलब वो दिखन कि डोगरी दे प्रति आकर्षित होइए, डोगरी की मतलब सही थार हासिल करवान मेरा यही उद्देश्य है। बाकी घर च माहौल ते है हा लिखने पढ़ने दा। जी जी, मेरे पति भी करने हां जी दे गल करने हां। हां जी, पहले मैं आखा तुसे बड़ी खूबसूरत गल कीती, बड़ी अच्छी गल कीती। इस गल च बड़ी गहराई है। असि गहरे तरीके कन्नै नहीं सोचते, बड़ी गहराई है। हां जी, दुनिया के जेड़े जिन्ने भी बड़े बड़े साहित्यकार हुए उन्हें ना सिर्फ अपने साहित्य की शुरुआत अपने अपने रचना की शुरुआत इस वास्ते करी सके कि उन्हें बचपन च साहित्य पढ़े रहा और बच्चे का साहित्य पढ़े रहा। उस मैं टैगोर का नाम ले सकता, दुनिया के बड़े बड़े और लोगों का नाम ले सकता। उस बाद दूसरी गल यह है कि जल्द बड़े बड़े साहित्यकार बनीए फिर उन्हें बच्चों का साहित्य रचिया भी, तो ये भी एक बड़ी वड्डी एक खास गल है। ओदा रीजन उऐ जिहड़ा तुसीं आखा रहे हो, क्योंकि उन्हें यह सोचा कि जिन्नी देर तक बच्चे अपनी भाषा कन्नै जुड़े दे नहीं होण, अपनी भाषा लई उन्दे च रुचि नहीं बधी सकदी। इसलिए डोगरी की बड़ी सख्त बस ये रुचि के जगाने वास्ते, बच्चे च रुचि जगाने वास्ते कि मैं थोड़ा जिहा प्रयत्न कीता है, थोड़ा ये गैप उठी है। एक मेरा मुंडला प्रयास है, देखो कुछ तो कर सकता है। सूरत प्रयास है, बड़ा सुंदर है। मैं पढ़ी है ये कहानी, ये कहानी बहुत पसंद आई है और मैं उम्मीद करना बच्चे भी बड़ी पसंद आना और बच्चे दे लिटरेचर से जो कुछ होना चाहिए। कोशिश की है मैं थोड़ा रोचकता पूर्ण कहानियां लिखिया जान जेदे कन्ने बच्चे उसको ये अग्गे की हुआ अग्गे की हुआ ये चीज सुनिए पढ़न इन्हें किताबें की ते पढ़िए डोगरी दे नेड़े आउण। क्योंकि पहले परिपाटी ही कि बच्चे अपनी नानी दादी घर बुजुर्ग को कहानियां कथा सुनते है, उन्हों परिपाटी ते बल्ले बल्ले खत्म हुआ रही है ते इसी कायम रखने वास्ते के मैं ये थोड़ा जतन किया है। तुसा ठीक गल आखी और तुसा नाम भी रखिया नानी सुनाओ कहानी। हां जी, तुस भी नानी हो? हां जी। अच्छा, मैं दादी भी है। छुट्टियां
इयो आखदे ने कि नानी कहानी सुनाओ जी। ते मैं इसे करे टाइटल भी इये रखिया, रोज उन्हें मी केरी भई आना ते रोज ही इयो गल आखदे ने सुनाओ कोई नित नवी कहानी सुनाओ। ते मैं भी उन्हें मन परचाने वास्ते गंड त्रुप करिए थोड़ा इस टाइप दी कहानी सुनाने की जेदे कने बच्चे च नैतिक गुण आन। बिल्कुल, नैतिकता कने जुड़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि अज दा बड़ा तनावपूर्ण माहौल है। इस तनावपूर्ण माहौल च मतलब बच्चे खुश रहन वो ज्यादा अच्छा है। अगर वो आपको खुश रहन तो समाज की भी खुशहाल बनाई सकन, ये मेरा मानना है। इस चली ठीक है क्या, देखो नानियां दादियां है ना ये पहले कहानियां सुनादियां ही हैं तो वो लोग कथा ही ठीक है, बेचारी लिख नहीं सकती है। उस जमाने लिखना पढ़ना नानिया दादिया नहीं हाल था, हूं तुम जो नानिया दादिया ने जो कहानी भी सुनाई लैंदियां ते लिखी भी लैंदियां। मैं उम्मीद करना तुम्हारे आंगर और भी जेडिया अपने बच्चे की कहानियां सुनादियां और उन्हें लगता कि कहानियां बड़ी रोचक न, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें कहानियां लिखा जाए ताकि उनकी कहानियां दुए भी सुन सकन। तो मैं कोशिश ये की है कि इन कहानियों से बच्चे का चरित्र निर्माण हुआ, मनोरंजन के करने करने उनका मानसिक विकास भी हुआ। और एक कोशिश है बाकी लोग जिन्हें लेखक बंधु ने वो पढ़िए अपने तासुरात देंगे कि किस किस्म दिया उन्हें पसंद आई हैं, ये चलो वो बात से दस मिनट में की ठीक है। लाखी तुझे इन कहानी की मैं भी पढ़िया है और जी गल तुझे आखी वो है हर कहानी की शिक्षा है उन्हें ठीक रस्ते पर रखने लिए, उनके उनके मानसिक विकास लिए, उन्हें कोई प्रेरणा देने लिए, उन्हें कोई जीवन का सिद्धांत सिखाने लिए हर कहानी किसी न किसी है। इस कहानी संग्रह च पूरे ना मैं भी कहानियां लिखी है ना जी। ये कहानियां जड़ी है ना बच्चे की मतलब उनके रुचि के मुताबिक लिखी है ना कि बच्चे मतलब जिसले अठे नवे बरे को लिए कोई तेरह बरे की बरेसु थोड़ी बच्चे दियां ने जिसे उनके संस्कार बना दे होंगे ना बच्चे उत्सुक होंगे नवा कुछ सुनने सीखने वास्ते तो उनकी रुचि मुताबिक पे मैं ये प्रयास किया है। हाँ ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा ऐसी रखिया भी कहानियां तुमने चुनी उन्हें तुझे दसो ना कि एक ही भी कहानियां लिखनिया लिखनिया शुरू की तुम रिटायरमेंट बाद। रिटायरमेंट कदम हुई? रिटायरमेंट मेरी 2004 च हुई थी। 2004 च एक कहानियां तुसें तकरीबन इन्हें त्रौ साल च गै लिखी? चौ साल नहीं, हुण ते त्रै चार साल नहीं। नहीं पहले पहले मैं थोड़ा मशहूर रही और बिजी बड़े बच्चे दे काम काज उंदियां शादियां करो उंदे फिर अग्गे सिलसिला सारा चलता रहा। ये मैं कोई दो ढाई साल च गई, पिछले दो ढाई साल च। बहुत अच्छा कीता तुसें। हुण मैं दसो कि तुंदे पति भी मन्ने परमन्ने दे लेखक भी है, वो भी ब्रॉडकास्टर रहे, वो भी न्यूज रीडर रहे, उनका बड़ा नाम है श्री नरेंद्र पसीन जी। उनका तुसी थोड़ा बहुत सहयोग मिलिया, उन्हें भी इन किताबा लिखी दी? हाँ जी, घर च मूल हा ना पढ़ने लिखने का, फिर एक बंदा लिखा दे हो ना थोड़ा पढ़ा दे हो तो दुआ के करा है। अच्छा, जिसले मैं दिखना कि बोर हो रही फिर मेरे मन च भी ख्याल आया कि नहीं मैं भी मतलब इस लाइन पर चला तो मैं भी अगे ये काम शुरू करा। पर प्रेरणा मतलब उन्दे उन्ना गे मिली और कुछ मेरे परिवार च जिया बचपन च अस है साढ़े माता पिता है गर्मी दे मौसम च उपर जगह अस पाई तीर्थी रोंदे जम्मू च गए ते कोठे पर जिसले सोना गर्मी च ते वो फिर पिता ही उसने सुनाते हैं सानू कोई ध्रुव तारे की कहानी सुनाई, कोई सप्तऋषियों की सुनाई, ऊपर तारे दसने उस चली उन्हें छोटी छोटी कहानियां से सुनानियां तो बचपन को लगे मूल है सानू कहानियां कथा सुनने का। दूआ मतलब मेरी बेटी ही जब मतलब छोटी हूं अगे पता नहीं संस्कार उ आई जो वो भी कहानी कथ सुने बगैर ना रोटी नहीं खाती है। असि रोज परेशानी हो जाती कि नवी कहानी कथ कुतों सुनाई जा, ओदा ऐसी नेचर ही ओ मतलब पुरानी कहानी नहीं सुनती। अच्छा, कई बार उन्हें रोना शुरू करी ओड़ना ये तो आपने सुनाई हुई है ये क्यों सुना रहे हो बच्चे। ते उस हिसाब कने फिर रोज थोड़ा सोचना विचार देना कि आज के नवा सुनाया जाए सी। अच्छा, उस तरीके कने थोड़ी कहानियां करनी शुरू की? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उस हिसाब जो पहले गल की थी ना के नरेंद्र और लिखते अच्छे तो सोचते हैं मैं क्या करा। हाँ जी, तो सभी लिखना शुरू करी उड़िया। हाँ जी, तो मैं पूछना चाहता जेला लिखते है तो सुनी चाचा बनाइए बुलाती होगी
डोगरी मिठी है क्योंकि मैं समझनी अगर भाषा गै जिंदी रोग
ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਰਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।